हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रक हीरो। सो सबसे पहले दोस्तों जय श्री राम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, ये ब्लॉग वीडियो नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रूट्स के हॉर्न से रिलेटेड सारी बातें कि भी ये हॉर्न कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है और कौन इसको लगाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं चित्तौड़गढ़ से। तो वीडियो में बने रहना, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। तो चलो अभी आपको मिलाता हूँ मैं जो भाई हॉर्न लगाते हैं उनसे। तो दोस्तों ये है फोरमैन साहब जिनकी मैं बात करता हूँ, हमारी हिमाचल की टोटली गाड़ी और बजरंग बली की गाड़ियों में आपने सुना होगा ये बजरंग वाला हॉर्न है। बजरंग बली नाम के हॉर्न मशहूर है ये हॉर्न, जिसका नाम हॉर्न का नाम क्या है रूट्स का हॉर्न है। इसमें कॉपी बहुत आती है, आपने आप लोग कहते भी हो कि भैया यार वो आवाज़ नहीं बनी रूट्स का, आप कहीं भी लेंगे लेकिन ये जो है इसको खुद से मॉडिफाई करते हैं, इसीलिए इसकी साउंड ऐसी बनती है। तो भैया की दुकान का जो भी एड्रेस है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में कार्ड भी डाल दूंगा और लोकेशन भी बता दूंगा, ठीक है भैया? कोई भी है मेरी वीडियो के माध्यम से आपके पास आएंगे, और भाई जिसको भी डलवाना है हॉर्न मंगलवाड़ा में आना है भाई से संपर्क करना, दिनेश इलेक्ट्रिशियन है ना कि बजरंग बली इलेक्ट्रिक, बजरंग ऑटो इलेक्ट्रिक दुकान का नाम है अपना, ठीक है? दिनेश नाम है। हाँ दिनेश नाम है भाई का, ठीक है गाइस? मैं सारी डिटेल है जो भी उसमें डाल दूंगा, बाकी जिन्होंने हॉर्न लगाना गाइस वही फोन करना है ना। बाकी हॉर्न के अलावा अपन सारी मतलब गाड़ी में पूरा काम करते हैं, वायरिंग का, लैपटॉप वगैरह सारा कुछ। हाँ हाँ, उसके अलावा भी सारा काम करते हैं, BS6 गाड़ी हो, BS4 हो, सबका काम होता है, टोटली तसल्ली बख्श किया जाता है काम, बल्कि पर्सनली हमारी सभी गाड़ियों का काम भी यहीं पर ही होता है। तो चलो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर ही एंड, साथ में डाल देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ, बाइक के लोकेशन भी डाल देता हूँ दुकान की और नंबर वगैरह भी डाल देता हूँ, और जो प्राइस वगैरह होगा वो आपने खुद इनसे फ़ोन पे बात कर लेना, जो भी प्राइस होएगा बिल्कुल आपको डिस्काउंट करके ही देंगे रेट, जो सबके लिए रेट लगता है वही आपके लिए भी लगेगा, ठीक है नहीं भाई? ठीक है, जो सबके लिए लगाते हैं वही आपके लिए भी लगेगा, सबके लिए एक ही रेट है, अलग नहीं। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस आपको मिलाते हैं अपने भाई से, ये है ओनर जो दुकान है दिनेश भाई, इन्हीं का नाम है दिनेश भाई, और ये देख रहे होंगे आप बजरंग ऑटो इलेक्ट्रिकल मंगलवाड़ा चौराया, इन्हीं भाई का नाम है वो, बाकी लास्ट में बताऊंगा आपको, पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे हुए। अभी जो बहुत से लोग मेरे नाम से मार्केट में जो हॉर्न लगा रहे अब तो उनके बातों में नहीं आना है, अपने को लास्ट में 2818 मेरे नंबर है उसी नंबर पे फ़ोन लगाना है और सीधा मंगलवाड़ा के ही हॉर्न लगवाना है, बाकी ऐसे नहीं है, वो लोग मेरा नाम पूछोगे तो बोल देंगे दिनेश मैं खुद ही, और वो खुद ही हॉर्न लगा देंगे, तो आप फंसना नहीं है क्योंकि आपके डबल पैसे लगते हैं और काम आपका होता नहीं है सही। बाकी हमारे पास लैपटॉप वगैरह सारी गाड़ी का, टाटा की कोई सी भी गाड़ी हो, रास्ते में कहीं पर भी रात को गाड़ी ख़राब हो जाए तो भी आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, सब्जी भरी हो गाड़ी में कोई भी दिक्कत हो, जितना अपने को फ़ोन पे अपन समझा सकते हैं उतना बता देंगे आपको, ठीक है? भाई के लिए कभी भी कोई सपोर्ट हो तो अपन बैठे हैं। तो गाइज़ ये बात इसीलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि हमारे जो राकेश भाई है इस चीज़ के शिकार हो गए हुए, बाकी राकेश भाई आपको खुद बताएंगे भाई क्या हुआ था। हाँ मैं आया था हॉर्न लगवाने थे तो कॉल किए थे, तो आगे दुकान पे आया उन पर बजरंग हॉर्न लिखा हुआ था, तो मैंने पूछा दिनेश भाई, वो कह रहे हाँ, फिर उन्होंने ऐसे फिर भाई के पास आए दोबारा, फिर इनसे मुलाकात हुई, फिर पता लगा ये दिनेश है और भाई का नंबर ये है, सब देख लेना। तो गाइज ये बात मुझे तब पता चली जब भाई ने मुझको बोला कि भी मैं मेरी गाड़ी में जो हॉर्न फिट किया है वो दिनेश भाई ने फिट किया है, लेकिन जब भाई ने मेरे को प्राइस बताया प्राइस में भी डिफरेंट था, और जब भाई ने फ़ोन नंबर दिखाया तभी मैं समझ गया था कि भी नहीं गड़बड़ है, क्योंकि मंगलवाड़ में ज़्यादातर क्या मंगलवाड़ क्या भीलवाड़ में भी एक आधे केस आए बंदे ऐसे बोल देते हैं हाँ भाई मेरा नाम ही दिनेश है, भाई का नाम यूज़ करके और गाड़ियों में लगा देते हैं, फिर ना वो साउंड बनती है, मिलते हैं को यही हॉर्न आपको हर जगह मिल जाएगा, दिल्ली में भी मिल जाएगा, लेकिन वो कॉपी है, जो ओरिजिनल साउंड बजरंग बली की आपको मिलती है सुनने को वो सिर्फ बजरंग बली इलेक्ट्रिशियन यानी कि दिनेश भाई ये वो हॉर्न लगाते हैं, और जगह कॉपी हर जगह है, आज के टाइम में अपने बड़े बड़े नाम है, वैसे मैं कहना नहीं चाहूँगा आप सब समझदार है लगा रहे हैं, लेकिन वो साउंड की क्वालिटी फिर भी नहीं आएगी। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं एक बार में जो हॉर्न लगा है इसकी साउंड क्वालिटी डाल दूंगा, उसके बाद आपने देख लेना कि फ़र्क है या नहीं है,
क्योंकि एक केस नहीं है, एक केस राकेश भाई है, हमारे पास दो तीन केस ऐसे और भी है, इसीलिए मैं ये बात भाई के मुंह से ही कहलवा रहा हूँ। क्योंकि कई बंदों ने बोला है कि भाई यार भाई का नाम यूज करके लोग अपनी मार्केट, इसमें क्या होता है भाई की मार्केट भी खराब होती है। अब कोई भी बंदा बोलेगा अरे यार दिनेश तो ऐसा काम करता ही नहीं है, पहली बात इन्होंने वो काम किया ही नहीं है, अब लोग इनका फ्री फंड में भाई नाम यूज करके इनकी मार्केट भी खराब कर रहे हैं। तो मेरे भाई जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने हॉर्न लगवाना है, गाइज आप सीधा भाई से कॉन्टेक्ट करो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोकेशन भी मैं बिल्कुल डाल रहा हूँ, लोकेशन आपको सीधे भाई की दुकान तक लेके जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं। और दुकान पे अगर कई बार दिनेश भाई ना भी मिले तो भाई साथ में रहेंगे, भाई का नाम क्या है देवेंद्र रहेंगे, अगर ये भी नहीं होंगे तो और कौन होते परमानेंट दुकान में, नहीं दो बंदे हम रहते, ये दोनों आपको दोनों में से कोई ना कोई एक बार जरूर मिल जाएगा गाइस। तो ठीक, थैंक यू गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को।